भाई साहब, हरिया रोडवेज के एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरिया। और भाई, आज मैं आपको लेके आया हूं चंडीगढ़ में बहुत ही जबरदस्त नाश्ता खिलाने। आपको पता है कि आप और मैं छोले भटूरे के तो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। इस चैनल पे हम छोले भटूरे को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार करते हैं, बट चंडीगढ़ में मैंने एक ऐसी दुकान ढूंढी है जहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक। जो दिल्ली वाले छोले भटूरे होते हैं ना, ये एकदम ही उससे दूसरे साइड वाले, मतलब 180 डिग्री ऐसे ऐसे कर लो। और भाई साथ में ना एक और यूनिक चीज़ देते हैं, उसको भी फ्राई करके देते हैं। आपको सब दिखाते हैं, सब बताते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। सर नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। सर आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश जी, मैं देख रहा हूँ नाश्ते में आप एक तरफ तो भटूरे लगा रहे हैं और एक तरफ ये कुछ और है, ये क्या चीज़ है सर? आटे वाली पूरी है ये। आटे वाली पूरी, अरे वाह जबरदस्त भाई। अच्छा, ये आटे वाली पूरी है? ये आटे वाली है। ये देखो भाई, एक तरफ आटे वाली पूरी है और एक तरफ है जी भटूरे। और भाई बहुत ही जबरदस्त सेटअप है। किस नाम से सर अपना? पंजाबी छोले भटूरे। पंजाबी छोले भटूरे, बहुत ही बढ़िया यार। और कितना पुराना सेटअप है सर? 40-45 साल पुराना सेटअप है भाई। आटे वाली पूरी एक तरफ बनाते हैं और एक तरफ बनाते हैं छोले भटूरे। तो एक बार इसमें दिखा देंगे क्या होता है, मतलब आटा कैसे आप गूंथते हैं, क्या इसमें पीटी डालते हैं? इसमें अजवाइन होती है, कसूरी मेथी होती है। अच्छा जी, बस अजवाइन और कसूरी मेथी। ऐसा इस आटे में अजवाइन और कसूरी मेथी है और ये पेड़े कर रखे हैं। और ऊपर ये दाने क्या है सर? ये जाली का जो निशान है उसकी वजह से एक डिजाइन बड़ा हुआ है। और सर कुछ भटूरे भी दिखा दीजिए, इसका भी एक बार बता दीजिए डो किस चीज़ का होता है। ये मैदे का है सर? हाँ जी, भटूरा ये मैदे का। ये इसमें खमीर करते हैं? खमीर करते हैं। अच्छा, तो खमीर करके भटूरा बनाते हैं जी मैदे का। और ये तो भाई कढ़ाई में जाते ही फूल जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया इसका अरोमा आ रहा है और खुशबू और महक जो है वो भी आ गई है, बहुत ही बढ़िया। और सर इसके साथ क्या देते हैं? छोले, आलू की सब्जी। दिखाइए सर एक बार, दिखा दीजिए। तो ये देखो जी, इधर आपको दिखाते हैं, ये ऊपर तो पहले सलाद रखा हुआ है जिसमें मूली है और चटनी है। और इधर है जी छोले, बढ़िया एकदम धुआं मार रहे हैं। ये देखो भाई छोले एकदम धुआंदार बढ़िया। और तड़के वाले सर? हाँ जी, हाँ जी, आलू की सब्जी डाल रहे हैं। आलू की सब्जी इधर से आ रही है। ओ भाई क्या बात है, एक बार इसको भी चला के दिखा दो सर। भाई साहब, जब तक आलू की सब्जी में थोड़ी सी ये कड़ाकेदार जो तड़का नहीं आ जाता ना, मजा नहीं आता। जबरदस्त। ये देखो इधर भटूरों की प्लेट लग रही है और साथ में देते हैं जी मूली और हरी मिर्च फ्राइड। सर टाइमिंग क्या रहती है अपनी? सुबह 9 बजे से 2:30 बजे तक होती है। 9 से 2:30 बजे तक। तो सर पहले भटूरे शुरू किए थे, पहले आटे वाली पूरी शुरू किए थे और फिर आटे वाली पूरी आपने मतलब जैसे सोचा या कस्टमर ने बोला? कस्टमर ने बोला कि कुछ हेल्दी भी चाहिए। हाँ जी जी जी। ये देखो एक प्लेट लगा रहे हैं मैम और इसमें ये तड़के वाले छोले आ गए। ये आलू में कसूरी मेथी डाल रखी है ना, कसूरी मेथी वाले आलू और साथ में भाई साहब ये रायता, ना लहसुन, ना अदरक, टमाटर, ना प्याज। अच्छा, अदरक टमाटर प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है चलो में? कुछ भी नहीं है जी, ना आलू में छोलों में। तो सर डालते क्या है फिर? नमक मिर्च और मसाला। अच्छा, इधर से भैया कह रहे हैं प्याज डालते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये देखो जी एक प्लेट लग गई है और अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। और पाजी अगर किसी को यहाँ पे आना हो एक बार लोकेशन बता दो। लोकेशन नियर गुग्गामाड़ी। हाँ जी, नियर गुग्गामाड़ी मंदिर। अच्छा जी, सेक्टर 41 डी जी, पिंड पड़े हेडी। और यहाँ पे क्या प्राइस है सर नॉर्मल पूरी का और भटूरे का? 60 रुपये प्लेट है दोनों की। जो थाली लगती है उसका 70 रुपये है। जो थाली मतलब उसमें क्या होता है? सब कुछ अलग अलग होता है, उसमें 70 रुपये का प्लेट। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी जो आपने लगाई है हमारे लिए वो थाली है 70 रुपये की जी। वो वाली जो है वो थाली है जी, उसमें एक भटूरा और एक पूरी और भाई दही, आलू की सब्जी और छोले सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो 70 की है, आम प्लेट जो है वो 60 की है। और यहाँ पे आके आप ट्राई करो भाई। तो भाई साहब ये है आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो भाई ये है आटे वाली पूरी और इसके साथ ये है जी भटूरा। तो आज हम ना, क्योंकि भाई देखो आटे वाले जो पूड़ियाँ हैं वो तो हम खाते रहते हैं, अब चंडीगढ़ में जो भटूरे हैं ना भाई बहुत कम अच्छे खाने को मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे ना भाई, इधर से ये लेते हैं भटूरा और हियर इज़ अ बाइट। साथ में ये तड़के वाले आलू जिसके ऊपर एकदम बढ़िया
ऑयल लगाया था और ज़बरदस्त एक्शन मूवी बन गई थी, साथ में छोले। एंड भाई साहब आ जाओ, हियर हियर इज अ बाइट ऑफ द स्पेशल पंजाबी छोले भटूरे, हियर गोज। भाई साहब ये वो खटास वाले छोले नहीं है जो आम हमें भटूरों के साथ मिलते हैं, ये एकदम घर के जैसे पूड़ियों के साथ बनाए हुए छोले होते हैं ना, वैसे वाला इसका फ्लेवर है। और जो आलू भी हैं जैसे घर के जीरे वाले आलू होते हैं ना, वैसा स्वाद है। इसके साथ आपको एकदम गाढ़ा रायता मिल जाएगा और ये चटनी और मूली, और भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो शायद आपको ये वाला वो फ्लेवर नहीं आएगा भटूरों का जो दिल्ली वाला होता है, बट ये पंजाब के फ्लेवर वाले छोले हैं। ना तो ये प्राती छोले हैं और ना ही ये चिक्कड़ छोले हैं, ये एक जैसे कह लें एक भगोने में बने हुए छोले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्लेवर अलग है, डिफरेंट है। अगर आपने ये ट्राई किए हैं तो कमेंट करके बताओ, अगर नहीं किए तो यहाँ पे आ जाओ और हम आगे चलते हैं। भाई साहब यहाँ चंडीगढ़ में ना एक ढाबा है, सोनू दा ढाबा, और भाई यहाँ पे जो माहौल है मेरे पीछे देखो, आज छुट्टी का दिन है, कम रश है, बट कम रश में भी यहाँ पे 100 के हिसाब से मतलब 300-400 लोग एक टाइम पे आपको नज़र आ जाएंगे खाना खाते हुए, एक फेस्टिवल की तरह, एक त्यौहार की तरह। और यहाँ पे 70 रुपये में आपको 17-18 सब्जियों का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, और भाई इतनी ज़बरदस्त सब्जियाँ रहती हैं कि लोगों का जो मन है वो बार बार करता है यहीं पे खाने का। अब आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्या स्पेशल है। सोनू दा ढाबा चंडीगढ़ का एक लैंडमार्क है और क्यों है आपको दिखाता हूँ। सागर भैया नमस्कार, क्या हाल चाल है भैया? भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। सबसे पहले तो ये बताइए इतना सारा सेटअप है, क्या क्या रखते हैं यहाँ पे? 12-13 सब्जियाँ बनती है डेली। दिखाइए कौन कौन सी सब्जियाँ डेली जो है 12-13 सब्जियाँ बनती हैं यहाँ पे। इधर से शुरू करते हैं जी, ये एकदम बढ़िया चित्रा राजमा, गाढ़ी ग्रेवी है, ये तरी वाले नहीं है भाई, ग्रेवी वाले हैं। दिखाइए आगे, और ये दाल है येलो दाल। अच्छा येलो दाल भी होती है। ये है जी मूंग दाल और इस पे तड़का लगा हुआ है बिना तड़के की? तड़के वाली है। बहुत बढ़िया, आगे दिखाइए। ये है जी इधर मंचूरियन, और भाई यहाँ पे मंचूरियन और राइस और राजमा, इसका बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाते हैं भैया। और ये क्या है जी? ये है जी इधर वाइट छोले, काबुली छोले तरी वाले। और नेक्स्ट इधर है भाई कढ़ी, और कढ़ी तो हमारा साथ छोड़ती नहीं है। इसमें पकौड़े भी हैं भैया? इसमें है जी साथ में पकौड़े। और इधर क्या है जी? ये हरी चटनी है, मुझे लग रहा था पालक है। ज़बरदस्त, आगे दिखाइए भैया और क्या क्या है। इधर क्या है जी? मटर पनीर। ये है जी मटर पनीर, और ये भी जो सारे मसाले हैं ग्रेवी सारी सेम होती है अलग अलग बनती है? सेम ही है। अच्छा सारी सेम है, बस आपने पनीर और मटर और राजमा ऐसे अलग अलग डाले हुए हैं। इसमें क्या है सर? ये है जी सलाद, इसमें मूली और गाजर और नींबू और मिर्ची दिख रही है। आगे दिखाइए, ये है जी इधर पालक पनीर, भाई ज़बरदस्त। और ये मिक्स वेज है, ये है जी मिक्स वेज, इसमें शिमला मिर्च गाजर और गोभी सब कुछ है। और ये दिखा दीजिए, ये है जी रायता, और इधर अच्छा ये ब्लैक दाल है, माँ की दाल है। और इधर भैया अच्छा काबुली छोले दोबारा से, तो ये और वो अलग है? सेम है। तो ये 16-17 सब्जियां हैं आपके पास, तो फिर कैसे मतलब थाली कैसे बनाते हैं आप? थाली में 4 रोटी आएगी, 2 सब्जी, रायता, सलाद, चावल। 4 रोटी कोई भी डालो मर्जी है। अच्छा और कितने की थाली है? 70 रुपए की। और अगर इससे ज्यादा जैसे सब्जियां लेनी हो तो ऊपर भी डाल देते हैं जी। और 100 रुपए की थाली भी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, 70 की एक ही थाली है, और साथ में ब्रेड्स है और राइस है। वैसे आमतौर पे यहाँ पे भटूरे भी मिल जाते हैं जी, बट आज नहीं है, दिवाली तक बंद है सर? दिवाली तक बंद है? परसों हो जाएंगे स्टार्ट। तो परसों से भटूरे भी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल आपको तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी और लच्छा पराठा और ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। भैया एक थाली में कितने लच्छे पराठे मिल जाते हैं? दो ही मिलेंगे। दो, और नॉर्मल रोटी? नॉर्मल रोटी चार, लच्छे पराठे दो और नॉर्मल रोटी चार। और भाई मिस्सी रोटी भी है यहाँ पे। नान कितना? नान दो है। नान दो और मिस्सी?
मिस्सी तीन सही है यार, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पे सारी की सारी जो अरेंजमेंट है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे लगाते हैं। हर तरफ आपको देखो रश दिखेगा, पहले पर्ची कटवाओ फिर उसके बाद थाली लो और फिर यहाँ पे सब्जियाँ डलवा के आप राइस या रोटी या दोनों आप ले सकते हो। आइस प्लेट, अच्छा राइस प्लेट भाई साहब, ये राइस प्लेट है 50 की, थाली है 70 की, रिफिल अलाउड नहीं है। और भैया स्वीट डिश में भी है कुछ, मीठे में कुछ होता नहीं? एक थाली लगा दीजिए सर। तो भाई साहब आपको पूरा जो एक्सपीरियंस है हैंड्स ऑन POV स्टाइल में देते हैं। तो पहले तो आपने पर्ची कटवाई 70 रुपये की, यहाँ पे आपको लिख के पर्ची के ऊपर ये लिखा है जी 70 थाली। तो अभी जाके भैया को देते हैं और हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो पिछली बार नहीं ट्राई करी थी। भैया एक तो मंचूरियन दीजिए और एक दे दीजिए आप भाजी, दूसरे का लगाइए मंचूरियन। भाई इधर देखो कुछ थालियाँ लग रही हैं, फिर हमारी बारी आएगी। ये हमारी है। तो भाई सबसे पहले तो राइस और रायता आ गया। सब्जी आप अपनी डिसाइड से कौन सी लेना आपने, पालक पनीर है, मटर पनीर है, मिक्स जी, वेज जी, दाल मखनी, छोले, राजमा कड़ी, मंचूरियन। भैया एक तो मेरा बहुत मन है मंचूरियन खाने का, तो मंचूरियन इधर से ये आ गया जी। और एक साथ में आप दीजिए मिक्स वेज, क्योंकि भैया का मन है मिक्स वेज खाने का। और चावल पे राजमा कड़ी मंचूरियन क्या लेना, चावल पे राजमा डाल दीजिए सर। क्या बात है भाई, ये तो एक बोनस हो गया। और ये आ गया जी चम्मच। और सर रोटी लेनी हो तो रोटी तंदूरी वहाँ से, रोटी नेक्स्ट में, थैंक यू भैया। तो आगे से जाके अभी लेते हैं जी रोटी। तो इधर से तंदूर से एकदम फ्रेश रोटियाँ आपको मिल जाएंगी और हम ट्राई करते हैं मिस्सी रोटी और एक नॉर्मल रोटी। भाई साहब मक्खन या घी जो है वो लगा रहे हैं। सर ये मक्खन है या घी है? मक्खन है। बिना घी के मिस्सी रोटी दे दो सर एक, और एक दे दो तंदूरी रोटी। एक आ गई जी प्लेन रोटी और एक हमें चाहिए सर मिस्सी रोटी। वैसे आपको मिस्सी 3 मिल जाएगी और प्लेन 4 मिल जाएगी, पर क्योंकि आज हमारी भूख थोड़ी लिमिटेड है तो हम एक मिस्सी और एक तंदूरी लेंगे। भैया पैकिंग में थाली कितने की है? पैकिंग में थाली कितने की है? 70 की है। अच्छा तो पैकिंग में भी थाली जो है वो 70 रुपये की ही है। और अभी मुझे लग रहा है भाई उधर देखो मिस्सी रोटी में थोड़ा टाइम है, तब तक आपको मैं इधर देखो ये रायता और सलाद दिखा देता हूँ। और ये भाई हमारी मिस्सी रोटी भी आ गई है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो ये देखो जी आज का हमारा स्वाद बटांदरा, रायता थोड़ा फैला दिया हमने। भाई साहब जहाँ पे भी फ्लैट सरफेस मिले बस रख दो और खा लो। वैसे नॉर्मली यहाँ पे भटूरे भी होते हैं बट भाई आज फेस्टिवल की वजह से भटूरे नहीं है, बट भाई हम तो ये स्वाद बटांदरा आपके साथ करने वाले हैं। तो भाई साहब कुछ इस तरीके का स्वाद बटांदरा है, हम आज बहुत ही ज़्यादा अलग कॉम्बिनेशन खाएंगे। ये है जी मिस्सी रोटी और इसके साथ ये मंचूरियन जो कि चंडीगढ़ वालों को शायद कोफ्ते की तरह लगता है। और भाई ये मंचूरियन तोड़ के भाई कभी नहीं सोचा था ये कॉम्बिनेशन ट्राई करूँगा, मिस्सी रोटी और मंचूरियन। भाई साहब हियर्स अ बाइट। भाई मंचूरियन एक्चुअली बुरा नहीं है, मतलब अगर आप इसी मंचूरियन को इधर डाल के राइस के साथ खाते हो तो आपको ना वो फ्राइड राइस और मंचूरियन वाला जो कॉम्बो है वो वाली फील आएगी। हमें चम्मच जो है वो थोड़ा टेढ़ा मिला है, देखो मतलब मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, मैंने सीधा पकड़ा हुआ अपनी तरफ से, बट ये मेरी तरफ झुका हुआ है। ये है जी रायता, ठीक है रायता भी ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। रायता की ताजगी और ठंडक एकदम जबरदस्त है, इसमें काला नमक डाला हुआ है मिक्स वेज के साथ ये मिस्सी रोटी। भाई साहब ये है जी मिस्सी रोटी साथ में मिक्स वेज, हियर गोज। भाई साहब किसी भी सब्जी में ना कमी नहीं निकाल सकते, ऐसे कह सकते हैं कि घर की सब्जियां जैसे होती है ना वैसा सा टेस्ट है, एक बढ़िया हलवाई जैसे सब्जियां बनाता है कम तेल में कम मसालों में वैसी सब्जियां हैं। और भाई राजमा चावल कैसे छोड़ सकते हैं, तो भाई साहब ये आ गए राजमा चावल। हियर इज इट, मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ राजमा चावल है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपने यहाँ पे खाया है तो कमेंट करके बताओ, अगर नहीं खाया तो भाई साहब यहाँ चले आओ। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।